अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग फाइवर की इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हो। एक अट्रैक्टिव आउटलुक इमेज आपने कैसे क्रिएट करनी है, जो कि मतलब अगर कोई भी बंदा सर्च करे तो सिर्फ आपकी इमेज को ही देखता रह जाए। तो सबसे पहले तो मैं आज आपको बेसिक इमेज क्रिएट करना सिखाऊंगा, वो भी कैनवा के ऊपर। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फोटोशॉप के ऊपर इमेज क्रिएट करना बताऊंगा कि आप लोग उससे भी कैसे इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने एक साइज चूज कर लेना है, जो साइज इस वक्त मैं यूज कर रहा हूँ अपनी इस की इमेज के लिए, वो है तकरीबन 4000 मल्टीप्लाई 2416। मतलब आपने क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट एंड न्यू डिजाइन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर कस्टम साइज के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने 4000 लगा लेना है और यहाँ पर 2416 लगा देना है, और साथ ही क्रिएट एंड न्यू डिजाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे ये आपको न्यू टैब के ऊपर शिफ्ट कर देगा और यहाँ पर आपको ये एक चीज नजर आ जाएगी, मतलब सिंपल इस तरह का पेज नजर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड चूज किया है। आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप लोग बैकग्राउंड चूज कर सकते हो कोई भी अपने हिसाब से। काफी ज्यादा बैकग्राउंड यहाँ पर पड़े हैं और अब एक पेज सामने आ गया। अब यहाँ पर जो मेन टॉपिक आपका आता है, आपने जो कीवर्ड चूज किया था जिसके ऊपर जो आपकी स्किल है उसके ऊपर आपने गिग बनाई थी, वो कीवर्ड इस इमेज के अंदर लाजमी आना चाहिए। अब मैंने जो चूज किया था उसके लिए तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक चीज को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं सिंपल एक बॉक्स को कॉपी पेस्ट करूंगा क्योंकि टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा अगर मैं वैसे चूज करूंगा। तो अब मैंने क्या किया, वेब 2.0 मैंने लिख लिया। अब ये हो गया मेरा एक मेन कीवर्ड, इसको मैंने यहां पर लिख लिया। और अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से इतनी जगह छोड़ देनी है, इधर से भी इतनी जगह छोड़ देनी है और इधर से भी इतनी जगह छोड़ देनी है। अगर आप लोग इतनी जगह नहीं छोड़ोगे तो आपकी गिग की इमेज फिट नहीं आएगी, मतलब वो आड़ी टेढ़ी आएगी और जब कोई बंदा सर्च करेगा तो उसको अच्छी नहीं लगेगी। अब ये मेरा हो गया मेन टॉपिक, ये मैंने मेन कीवर्ड को यहाँ पर अटैच कर दिया। और साथ आपको एक इमेज चाहिए, इमेज आपने सिर्फ अपने फेस की नहीं लगानी, आपने तकरीबन अपना हाफ बॉडी होनी चाहिए, जो कि इस तरह मतलब आपको हाफ बॉडी आनी चाहिए। अगर आप लोग तकरीबन इतना फेस लगाओगे, जैसे कि अब मैं यहाँ पर शो करवा देता हूँ, अब आप लोग अगर इतनी इतनी फेस लगाओगे तो आप लोग खुद देख ले अच्छा नहीं लग रहा। तो आप लोगों ने इतनी बॉडी लेकर आनी है और यहाँ से भी इतनी जगह छोड़ देनी है। अब उसके बाद क्या आता है कि आप लोग चीज क्वांटिटी कितनी प्रोवाइड कर रहे हो इमेज के अंदर, आप लोगों ने क्वांटिटी भी लिखनी है कि आप लोग कितनी क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहे हो। इस वक्त मैं यहाँ पर 50 लिख देता हूँ क्योंकि मैं 50 प्रोवाइड कर रहा था, 50 प्लस लगाकर इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। जो चीज आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको आपने सबसे ऊपर रखना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर भी आपने अपना मेन कीवर्ड को अटैच करना है। यहाँ पर मैं सिर्फ बैकलिंक्स को अटैच कर नहीं करता बल्कि मैं साथ यहाँ पर एक और कीवर्ड लगा लेता हूँ, डू फॉलो Web 2.0 50+ डू फॉलो बैकलिंक्स। नीचे एक और कीवर्ड को अटैच कर देते हैं, एक और मेन पॉइंट को अटैच कर देते हैं, हम जी आपको हाई डीआर वेबसाइट से ये चीजें लेकर देंगे, तो आपको हाई Web 2.0 के हाई डीआर बैकलिंक्स मिलेंगे। अब मैं जरा इसको थोड़ा सा फिट कर लेता हूँ। तो अब इसको सेंटर के अंदर ले आते हैं और इसको यहां पर ले आते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पर मतलब कोई चीज, एक और कलरफुल चीज होनी चाहिए, जैसा कि मैंने पिछली पिक्चर के अंदर एक रॉकेट लगाया हुआ है। मतलब इसका मतलब यही है कि आपकी वेबसाइट अच्छी तरह रैंक कर जाएगी, रॉकेट की तरह फास्ट हो जाएगी, इसको भी लगा देते हैं। और आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज नोटिस की होगी, जो भी कीवर्ड होगा उसको सबसे ऊपर रखना है, मेन रखना है, जितनी क्वांटिटी होगी वो भी आपने रखनी है। डू फॉलो बैकलिंक्स दे रहा हूँ, आईडीआर वेबसाइट के साथ एक पिक्चर आ गई, साइडों से आपने इतना फासला छोड़ देना है और आप लोग ये आपकी एक अच्छी इमेज क्रिएट हो जाएगी। उसके अलावा मैंने एक और इमेज क्रिएट करके रखी है इस पिक्चर के साथ, और यहाँ पर भी मैंने गूगल का वेरीफाइड नॉलेज पैनल, मतलब मैंने एक कीवर्ड जो मेन था वो मैंने ऊपर लिख दिया, वेरीफाइड करके दूंगा ये भी मैंने मतलब हाईलाइट कर दिया, उसके साथ नॉलेज पैनल हम लोग बना के देंगे और आप लोग भी इसे क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा ऊपर चले जाएं
ऊपर फिलहाल मैंने अभी तक ये देखे, एक मैंने ये बनाई थी, ये एक ए, ए, मतलब इमेज आ गई बंदे की, उसके साथ मैंने जो भी अपनी चीजें थी, मतलब एक चीज जो टारगेट प्रोवाइड कर रहा था वो मैंने मतलब बड़ी करके लगा दी, और साथ इंस्टाग्राम लिख दिया, उसके साथ बुलेट पॉइंट्स बना दिया। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने फिलहाल इस वक्त कोई नहीं बनाई, लेकिन आपको एक नॉलेज दे दिया कि आप लोग इस तरह बना सकते हैं, कि आप लोगों ने कीवर्ड को टारगेट करना है, कीवर्ड को हाईलाइट करना है, क्वांटिटी को भी हाईलाइट करना है, और साथ ही साथ आपने एक इमेज अच्छी तरह लगानी है, और साथ कोई रॉकेट वगैरह मतलब कोई टूल वगैरह लगा देना है, जिससे क्लाइंट को अंदाजा हो जाए कि ये चीज काफी अच्छी लग रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।